हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सेलेब इन्फो। दोस्तों, जैसा कि पुष्पा 2 से एक वीडियो रिलीज की गई है जो कि आपने देख भी ली होगी, आपको ये बता दें कि ये वीडियो ना तो कोई टीजर है और ना ही कोई ट्रेलर, इसको आप एक प्रमोशनल वीडियो बोल सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि ये एक छोटी सी वीडियो 3 मिनट 15 सेकंड की है जो कि एक हाइप बनाने के लिए रिलीज की गई है, और आपने वीडियो में या फिर टाइटल वगैरह में ये देखा होगा कि मेकर्स ने कहीं भी इसको टीजर या ट्रेलर नहीं कहा है। इस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए हमें ये पता चलता है कि कहानी अब 2004 में जाने वाली है, जहां पुष्पा गायब हो जाता है, जैसा कि पुष्पा मूवी में एंडिंग सीन में दिखाया गया है। दोस्तों, जिसमें शिकावत सर के साथ पुष्पा की अनबन होती है, जिससे पुष्पा को जेल होगी और फिर पुष्पा जेल से भाग जाएगा। पुलिस जब पुष्पा का पीछा करती है और इसके बाद लोगों को सबूत दिखाती है कि पुष्पा को गोलियों से छल्ली करके मार दिया गया है, और इसके बाद हाथ लगती है सीसीटीवी फुटेज जिसमें पुष्पा को दिखाया जाता है, जिसमें शेर भी 2 कदम पीछे हो जाता है। वैसे ये वाला सीन एक अलग ही लेवल का दिखाया गया है और पुष्पा 2 का हाइप बनाने के लिए सीन काफी बेहतरीन है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लोग पूरी तरह से पुष्पा के फेवर में होते हैं, क्योंकि पुष्पा उन लोगों की मदद किया करता था जिसकी वजह से उसने लोगों के दिलों में एक जगह बना रखी है। इसके अलावा वीडियो में दंगे फसाद भी दिखाए गए हैं, और जब दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है तो लोग त्योहार मनाने लगते हैं। इसके बाद एंडिंग में डायलॉग आता है, अब रोल पुष्पा का। तो यहाँ पे होता है वीडियो का इख्तिताम। इस वीडियो में अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट का नहीं बताया गया। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।